हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट आने वाला है और ईपीएफओ एसएसए का भी नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि अभी हमने आईबीपीएस क्लर्क तो दे दिया, उसका रिजल्ट भी अवेटेड है और ईपीएफओ का नोटिफिकेशन भी आ गया है, जिसकी सैलरी आईबीपीएस क्लर्क से काफ़ी अच्छी होती है। तो इस वीडियो में मैं यही दोनों की जो सैलरी है वो कंपेयर करूंगी, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि जब दोनों क्लेरिकल लेवल की पोस्ट है तो दोनों की सैलरीज में क्या डिफरेंस होता है और कितना डिफरेंस होता है। ये वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्मार्ट कीड़ा 25% ऑफ लेके आया है और ये सिर्फ 1 अप्रैल तक वैलिड है। तो जितना जल्दी हो सके आप एक बार देख सकते हैं, इनके जो मॉक टेस्ट है और ये सब काफ़ी अच्छे हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रही हूँ, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। अब जो ईपीएफओ एसएसए की सैलरी है उसका जो बेसिक है वो काफ़ी ज़्यादा होता है आईबीपीएस क्लर्क के बेसिक से। यहाँ पर जनवरी 2023 की दोनों की सैलरी मैं कंपेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ईपीएफओ एसएसए के बेसिक पे से। इसका बेसिक पे है 29,200 और वहीं आईबीपीएस क्लर्क का बेसिक पे है 19,900। तो देख सकते हैं आप कि कितना ह्यूज डिफरेंस है दोनों के बेसिक पे में। अब जो डियरनेस अलाउंस ईपीएफओ एसएसए को मिला है वो है 11,096 रुपीस और आईबीपीएस क्लर्क को मिला है 8,231.58 रुपीस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीपीए करके लिखा होता है ईपीएफओ एसएसए में, इनको टीपीए मिला है 2,484 और वहीं ट्रांसपोर्ट अलाउंस आईबीपीएस क्लर्क को मिला है 833.5 रुपीस। इसमें भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। उसके बाद एचआरए ईपीएफओ एसएसए को मिला है 5,418 और वहीं यहां पर एचआरए मिला है 2,167.88 रुपीस। ये जो एचआरए है ये वेरी करता है एक्स वाई जेड सिटी में। तो ये जो है ईपीएफओ का ये वाई सिटी का है और जो बैंक में ऐसा एक्स वाई जेड करके नहीं होता, बैंक का क्राइटेरिया थोड़ा अलग होता है। ये मेट्रो देन अर्बन सेमी अर्बन और रूरल ऐसे करके इसमें होता है, तो एचआरए में थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। उसके बाद एफएमए, ये एक मेडिकल का अलाउंस होता है जो इनकी सैलरी में मिलता है ईपीएफओ में, तो ये मिला है 2,000 रुपीस और यहाँ पर मेडिकल जो है बैंक क्लर्क को ये अलग से मिलता है अदर देन सैलरी अलाउंसेस में, तो वो यहाँ पर हम नहीं देखेंगे। आईबीपीएस क्लर्क में जो दो कॉम्पोनेंट्स एक्स्ट्रा है जो ईपीएफओ में नहीं है वो है स्पेशल अलाउंस जो है 4,533.79 रुपीस और एक स्पेशल पे है ये 1,250 रुपीस। अब हम दोनों का टोटल अर्निंग्स निकालते हैं, ग्रॉस अर्निंग्स। तो ईपीएफओ एसएसए का जो ग्रॉस अर्निंग्स है वह 50,198 रुपीस और वहीं आईबीपीएस क्लर्क का ग्रॉस अर्निंग्स है 36,916.77 रुपीस। अब आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा डिफरेंस है। ईपीएफओ भी एक क्लरिकल लेवल की जॉब है, आईबीपीएस क्लर्क भी एक क्लरिकल लेवल की जॉब है, तो फिर भी दोनों की सैलरी में काफी डिफरेंस है। यहाँ डिडक्शंस भी हैं लेकिन डिडक्शंस अभी मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि डिडक्शंस थोड़े बहुत अलग अलग भी हो जाते हैं। वैसे बेसिक डिडक्शन जो दोनों में होता है वो पेंशन का होता है, यूनियन का होता है और एक प्रोफेशनल टैक्स होता है। ये दो तीन चीजें हैं जो सिमिलर रहती है, कई अदर डिडक्शंस भी हो सकते हैं। अब इन दोनों की जो जॉब्स है इनमें ईपीएफओ की जॉब ज्यादा बेटर इसलिए है क्योंकि पहला ईपीएफओ में सैलरी ज्यादा है और सैलरी ऐसा नहीं कि 2-3 हज़ार रुपये ज्यादा है, सैलरी काफी ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पर 5 डे वर्किंग है लेकिन बैंक में 5 डे वर्किंग अभी तक नहीं हुआ है, तो ये एक और फायदा ईपीएफओ में। ईपीएफओ में फिक्स्ड वर्किंग आवर्स रहते हैं, इनका सुबह 9:30 से 6 रहता है। वैसे तो क्लरिकल लेवल की जॉब में जो बैंक की होती है उनमें भी वर्किंग आवर्स फिक्स्ड रहते हैं, लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पोस्टेड है। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी ब्रांच में आपकी पोस्टिंग हो गई है जहां पर स्टाफ नहीं है या जहां बहुत वर्कलोड है, तो हो सकता है कि एक क्लर्क को भी ज्यादा देर तक बैठना पड़े। लेकिन यहाँ पर ईपीएफओ में ये चीज थोड़ी सी बैंक के कंपैरिजन में कम है। वर्कलोड की बात करें तो वर्कलोड ईपीएफओ एसएसए में भी होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर काम नहीं होता, काम यहाँ पर भी होगा और आईबीपीएस क्लर्क में भी काम होता है। तो मुझे लगता है कि जो वर्कलोड है वो दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप आईबीपीएस क्लर्क में अगर आप कैशियर रहते हैं, अगर कैश में बैठते हैं तो थोड़ा सा आपको वर्कलोड ज्यादा हो सकता है। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो दोनों में डिफरेंट है, इसीलिए अगर आपका आईबीपीएस क्लर्क में सिलेक्शन ना भी हो तो आप ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नोटिफिकेशन आपके सामने है
और अगर आप इसकी तैयारी करेंगे तो ये ज्यादा अच्छी जॉब है जो आपको मिलेगी। तो एक और चीज जो दोनों में डिफरेंट है वो ये कि आईबीपीएस क्लर्क में रूरल पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन ईपीएफओ एसएसएम में जो पोस्टिंग है वो सिटीज में ही होगी। तो जिन्हें रूरल एरियाज में रहना पसंद नहीं है उनके लिए भी ईपीएफओ वाली जॉब ज्यादा बेटर है। और ईपीएफ वाली जॉब में ट्रांसफर्स कम होते हैं, लेकिन आईबीपीएस क्लर्क में ट्रांसफर होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब एक जगह रह सकते हैं, लेकिन अगर आप पीओ बनेंगे, प्रमोशन लेंगे, तो पीओ बनने के बाद जो ट्रांसफर है वो आपका दूसरी जगह होगा। लेकिन ईपीएफओ में जब प्रमोशंस तो लेट होते हैं काफी, लेकिन अगर प्रमोशन होता है और उसी ऑफिस में वैकेंसी है तो आपका ट्रांसफर नहीं होता। तो यहाँ पर ट्रांसफर वाला जो इशू है वो इतना नहीं रहता जितना बैंक में रहता है। तो इसीलिए अभी रिजल्ट आने वाला है, तो ये सारी चीजें आप देखिएगा। और ये एग्जाम भी बहुत अच्छी, इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी डाल रखे हैं, टॉपर स्टॉक भी डाला है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।